अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बड़े के पाए बनाने लगी हूँ और ये देखें, पाए साफ सुथरे करके फ्रीजर में रखे हुए थे, इनको निकाला है और साथ ही ये पानी गर्म रखा है ताकि इसमें थोड़ी सी देर के डालूंगी ताकि ये खुल जाएं पूरे। पानी में डालती हैं, अब ये थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। मौसम की मुनासबत से ठंड में पाए खाने का थोड़ा अपना ही मजा है, पंजाबियों को तो ये बहुत अच्छे से पता है। खाने पीने के मामले में वेदर को बहुत लेके आते हैं। चले अब हम इसको ढक देंगे। ये देखें बिल्कुल खुल गए, साफ सुथरे हो गए। अब हम इसका पानी चेंज करेंगे और इसमें मसाला डाल के रख देंगे। आपको पता है कि पाए जो है वो काफ़ी देर तक रखे जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से पकते हैं। ओके, बिल्कुल अच्छे से ये देखें पानी साफ करके क्लीन, और ये हमने पतीले में डाल लिए हैं। अब मैं इसमें जो मसाला डालूंगी वो आपको दिखाती हूँ। बहुत कम सा मसाला, ये आप देखें एज़ यूजुअल, जो मैं बिल्कुल अनियन के इसमें आँख में नहीं होती, तो बिल्कुल थोड़ा सा अनियन है और ये गार्लिक और ये थोड़ा सा नमक। हल्दी वैसे तो मेरी अम्मी जब भी पाए बनाती है तो ओवरनाइट रखती हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ, मैं सुबह सुबह रखे हैं ताकि रात तक तैयार होंगे। किचन में साथ साथ काम भी हो रहा है। ये देखिए सिंपल और इजी मसाले, ये अब हम इसमें डाल देंगे और इसको लो टू मीडियम आंच करेंगे। पानी देखते हैं, ये लो टू मीडियम आंच पे ये एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तक पड़े रहेंगे। पील करके टमाटरों को, उसमें थोड़ा सा ड्राई स्पाइसेस हमारे अपने सारे डाल के, तो इसको हल्का सा भून रही हूँ ताकि जब पाए हमारे सही से बॉयल हो जाए तो मैं इसमें ऐड करके फिर भूनूंगी। ये देखें पाए भी मेरे ऑलमोस्ट गल चुके हैं, अब मुझे उस मसाले में डाल के इनको भूनना है। देखिए पाए मैं भून रही हूँ, भूनते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और साथ ही जो यखनी पायों की निकली हुई है ये मैंने रखी है ताकि जब भुन जाएंगे तो यही यखनी डालूंगी, ठंडा पानी में नहीं डालती, हमेशा गर्म पानी करके डालती हूँ। और आज चूँकि यखनी है तो अभी गर्म पानी की नीड भी नहीं है। पाए भुन चुके हैं, अब मैं यखनी जो है वो अंदर डालने लगी हूँ। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। डाल दी, ये देखें बॉयल होना शुरू हो गया। अब इसको ढक्कन लगा के फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर दूंगी। मज़ेदार से पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। रिलिश विद अस।